वेलकम टू माय चैनल लिबीरॉक्स टीम्स। तो पाल्मेरस वर्सेस सैंटोस के बीच मैच हो रहा है 2 घंटे 30 मिनट बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, देन सैंटोस और पाल्मेरस में अगर देखा जाए देन दोनों में से दोनों टीम्स अच्छी हैं। लेकिन अगर आप लास्ट सीजन देखोगे तो पाल्मेरस इनसे पहले भी ऊपर थी, अब भी ऊपर है, आई थिंक रहेगी भी इनसे ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूं गोलकीपर की, देन यहाँ पर लूंगा पहला प्लेयर जॉओ पोलो सिल्वा मार्टिन्स को। जॉओ पोलो सिल्वा मार्टिन्स जो एक नॉर्मल सा प्लेयर है जो कि कॉन्टीन्यूसली अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मीन्स कॉन्टीन्यूसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, सो मैं इस प्लेयर के भाई साथ हूँ बिल्कुल। एंड आगे से अगर बात करें डिफेंडर की, देन यहाँ पर है एम रोचा, तो यहाँ पर मार्कोस रोचा को मैं लेने वाला हूँ। मार्कोस रोचा को आज खिलाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने मॉरिस नहीं लिया, भाई जॉर्ज मॉरिस खेलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा, वो मत समझो, लेकिन अभी नहीं ले रहा मैं जे मॉरिस को, अभी मैं रोचा के साथ जा रहा हूँ। एंड आगे से अगर बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, मुरिलो कैरक्वेरा ने इस सीज़न गोल भी कर दिया है। मैं पहली बात बता दूँ, गोल मतलब ये कर चुका है इस सीज़न का, ये गोल का खाता खोल चुका है, इसलिए कुरकेरा को ज़रूर लेना, ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में आ सकता है। जी गुमेज़ की अगर हम बात करें, गुस्टैवो गुमेज़ एकदम एवरेज प्लेयर, मतलब ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता, ठीक ठाक खेलता है, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक प्लेयर है, ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल सा प्लेयर। सो गुस्टैवो गुमेज़ को अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। नाम मतलब वैसे तो काफ़ी नाम था इस प्लेयर का, मतलब इसने डिफेंडिंग से काफ़ी नाम कमाया, लेकिन अब थोड़ा फ्लॉप होना शुरू हो गया, सो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, थोड़े से पासिस, थोड़े से टैकल्स, थोड़े से इंस्क्रिप्शंस वॉन कर पाता है। एंड आगे से अगर बात करें मेकन की, देन यहाँ पर है माइकन को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, लेट्स सी मेकन कैसा खेलता है। पिछले मैच में तो गोल की भी ट्राई कर दी थी इसने, लेकिन वो हद ये सैंटोस का प्लेयर है ना, सो मैं इस प्लेयर को ले रहा हूँ, जबकि मैंने 4 डिफेंडर ना इनके लेने थे, मैं ले नहीं पाया अंदर से, बात इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। एंड आगे से अगर बात करें स्कार्पा की, तो गुस्टैवो स्कार्पा कई लोग कह रहे हैं सबसे ज़्यादा गोल कर रहे हैं, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कार्पा इस सीज़न सबसे ज़्यादा गोल कर रहा है, तो भाई अगर आप पेनल्टी गोल को इसमें जोड़ोगे तो सबसे ज़्यादा गोल स्कार्पा के निकलेंगे। इस सीज़न इन्होंने पेनल्टी टेकर भी बदल दिया, इन्होंने स्कार्पा को प्राइमरी पेनल्टी टेकर घोषित बन कर दिया है, मतलब ये अब जो भी पेनल्टी आएगी अगर स्कार्पा खेल रहा होगा तो स्कार्पा को ही पेनल्टी मिलेगी, और किसी प्लेयर की तरफ ये मुड़ के भी नहीं देखेंगे। अगर पहली पेनल्टी मिस हो गई तो शायद एक सेकेंड ऑप्शन रख सकते हैं, राफेल विगा को भी अच्छी तरह जानते हो, द ग्रेट ऑप्शन फॉर कैप्टन, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन कैप्टन के लिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन, इसलिए राफेल वेगा को तो ड्रॉप करना ही मत, की प्लेयर का काम करेगा। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है विनिकियस जेनोकेलो, देन विनिकियस जेनोकेलो इज़ एन एवरेज प्लेयर, बहुत ज़्यादा डिसेंट खेलता है। इसकी जगह मैंने सोचा था कि कोई मिडफील्डर ही आएगा वैसे, बट कोई भी ढंग का मिडफील्डर मुझे खास पसंद आया नहीं। एंड आगे से अगर बात करें लियोनार्डो की, अगर सैंटोस टीम गोल करती तो हद से हद इनका एक प्लेयर गोल कर सकता है लियोनार्डो, अगर प्लेइंग 11 में हुआ, इसके बाद मुझे भरोसा और किसी पे नहीं है भाई, और किसी पे खास भरोसा नहीं है मुझे। एंड रोनी की बात करें, इसका नाम काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, निल्सन डा सिल्वा बारबोसा, लेकिन इसका शॉर्ट नेम है रोनी, तो इसलिए मैं इस प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, और नवेरो को ड्रॉप करना है तो आप कर सकते हैं, फिर आप नवेरो की जगह चुन सकते हैं यहाँ से जे मोर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ गाइज, कई लोग आप समझो कि मैं क्लीन शीट के पीछे नहीं भाग रहा, भाई क्लीन शीट्स मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए अगर आपको करना है आप मॉर्स ले सकते हो या आप ले सकते हो नवेरो, अभी आप पे डिपेंड है। अगर आपको सेफ जाना है तो मैं राय दूंगा कि इस टीम के साथ जाओ, जिसमें आपको वाइस कैप्टन का ऑप्शन दूंगा एक राफेल विगा, या आपके माइंड के ऊपर है, अगर आपका मन करे राफेल विगा रखो, अगर आपका मन करे रोनी रखो, दोनों एक जैसा खेलते हैं, दोनों का गोल का चांसेस है। और अगर आपको रिस्क लेना है तो मैं राय दूंगा कि आप मॉर्स को छोड़ के नवेरो ले लो। अब आप देखो, आपने रिस्क लेना है कि सेफ जाना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।